मेरा नाम दिप्तनु, आप सब देख रहे हो आप ही के चैनल दिप्तनु शील को। दोस्तों, फेसबुक प्रोफाइल पेज को लेके बहुत बढ़िया गुड न्यूज आया है। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ न्यू पेज डिजाइन एक्सपीरियंस के हवाले से। जो भी दोस्त को अभी तक न्यू पेज एक्सपीरियंस नहीं मिला है, अपना पेज प्रोफाइल पेज पे चेंज नहीं हुआ है, उन लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया एक न्यूज़ है, क्योंकि फेसबुक अब जो है अपना प्रोफाइल पेज डिज़ाइन रोल्ड आउट करना शुरू कर दिया है। पहले टेस्टिंग फेज पे था, किसी किसी को मिला था, अब फेसबुक इसको रोल्ड आउट करना शुरू किया है। अब फेसबुक का जो न्यू पेज डिजाइन एक्सपीरियंस फेसबुक दे रहा है, वहां पे लिखा हुआ आ रहा है कि यू विल सी ए न्यू पेज एक्सपीरियंस इन 3 डेज। जो भी अकाउंट होल्डर को अपने पेज पे अभी न्यू पेज एक्सपीरियंस का ऑप्शन आ रहा है, वहां पे लिखा रहता है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका जो पेज है वो प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट होने वाला है, तो आप सारे ऑप्शन को एक बार जल्दी से रिव्यू कर लो। तो हो सकता है ये मैसेज आपको भी अपीयर हो, मगर ये मैसेज जैसे ही अपीयर होता है आपको बारीकी से चीज़ों को समझना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो आप इस ऑप्शन को स्किप कर दोगे और आपका पेज जो है वो तुरंत प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको समझना पड़ेगा, जैसे ही ये ऑप्शन आएगा यू विल सी ए न्यू पेज एक्सपीरियंस इन 3 डेज, तो आपको वो जो मतलब डिटेलिंग दिया जाएगा वहाँ पे लिखा होगा कि व्हाट स्टे द सेम, मतलब कौन सा चीज़ें हैं जो न्यू प्रोफाइल पेज जब कन्वर्ट होगा तब भी सेम ही रहेगा। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि कंटेंट एंड इन्फॉर्मेशन, आपका जो भी कंटेंट और इन्फॉर्मेशन है वो सेम एज इट इज़ रहेगा, और एड्स एंड कैंपेन वो भी अगर आप रन करते हो तो वो भी प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट होने के बाद भी सेम रहेगा, और यहाँ पे परमिशन भी सेम रहेगा, और पेज फॉलोअर जो है वो भी आपका सेम रहेगा, और अपडेट टू पेज रोल्स, हो सकता है आपको पेज रोल्स पे थोड़ा बहुत कस्टमाइजेशन देखने के लिए मिले जब भी आपका पेज जो है क्लासिक मोड से प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट हो जाएगा। और यहाँ पे न्यू कंटेंट ओनली शो ऑन द न्यू अपडेटेड पेज, ये जो पॉइंट फेसबुक रिव्यू करने के लिए आप लोगों को कह रहा है, इस पॉइंट को सबसे ज़्यादा आपको समझना है। यहाँ पे कहा यह जा रहा है कि जैसे ही आपका प्रोफाइल पेज पे आपका क्लासिक पेज कन्वर्ट होगा, उसके बाद आप न्यू पेज प्रोफाइल पेज पे जो भी कंटेंट अपलोड करोगे वो कंटेंट सिर्फ उसी डिज़ाइन में पेज में दिखने के लिए मिलेगा। अगर किसी भी कारण के वजह से आप प्रोफाइल से फिर क्लासिक मोड पे कन्वर्ट करते हो अपने पेज को, तो आपको वो न्यू पेज पे डाला गया, मतलब प्रोफाइल पेज चेंज होने के बाद जो कंटेंट डाला गया है वो आपको क्लासिक मोड पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और यहाँ पे एक नोटिफिकेशन या फिर एक नोटिस मेरे तरफ से, आप चाहो तो आपके जो न्यू प्रोफाइल डिज़ाइन है उसको कन्वर्ट करके फिर से आप क्लासिक मोड पे जा सकते हो, उसका तरीका मैंने चैनल पे ऑलरेडी दिखा के रखा है, मगर आप न्यू पेज डिज़ाइन पे जब भी चेंज करके आओगे और वहाँ पे जो कंटेंट रखोगे वो कंटेंट आपको क्लासिक मोड पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। और अगर आपने चेंज कर लिया फिर आप स्विच होके प्रोफाइल पेज पे नहीं जा सकते हो जब तक फेसबुक आपके पेज को प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट ना कर दे फिर से। ये 2 नोटिस है, इसको समझना बराबर से आपका जिम्मेदारी है। अब बात करूंगा ये जो प्रोफाइल पेज अभी आप लोगों का रोल्ड आउट होगा और आने वाले समय पे सबको मिलेगा, कितने प्रतिशत लोगों को ये मैसेज अभी आना शुरू हुआ है कि 3 दिन के अंदर अंदर आपका पेज जो है वो प्रोफाइल पेज पे कन्वर्ट होने वाला है, वो जिसको भी मिला है ज़रूर कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना। मगर यहाँ पे मैं आप लोगों के बहुत सारे डाउट को प्रोफाइल पेज को लेके क्लियर करने वाला हूँ। सबसे पहले, अगर पेज क्लासिक मोड से प्रोफाइल पेज पे चेंज होता है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका पेज पहले जो था वो प्रोफाइल पे चेंज हो गया, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सिर्फ जो पेज का लुक एंड फील था उसको डिज़ाइन वाइज चेंज कर
किया गया है फेसबुक के द्वारा, बाकी कोई भी चीज चेंज नहीं हुआ है, वो प्रोफाइल पेज पेज ही है। और वो प्रोफाइल पेज या फिर क्लासिक पेज, जो भी पेज पे आपका पेज रहता है, दोनों ही पेज मोनेटाइजेशन के लिए 100% एलिजिबल है। ऐसा नहीं कि क्लासिक से प्रोफाइल पेज को मतलब चेंज हो जाने पे आपका पेज मोनेटाइज नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शकों का ये डाउट आ रहा है कि एक बार अगर पेज क्लासिक से प्रोफाइल पे को मतलब चेंज हो जाए तो वो पेज फिर से दोबारा मोनेटाइज नहीं होता है। ऐसा कुछ भी नहीं है, उल्टा प्रोफाइल पेज का रीच ज्यादा है, आपको अलग से पेज के लिए न्यूज फीड मिलेगा और यहाँ पे सेटिंग और कस्टमाइजेशन और भी ज्यादा अच्छा मिलेगा, और उसके साथ वायरल फैक्टर जो है प्रोफाइल पेज पे ज्यादा है। जब यूज करोगे, थोड़ा इसके साथ एडजस्ट हो जाओगे, तभी इसका स्वाद, इसका मजा आपको मिलेगा। जब भी क्लासिक से प्रोफाइल पेज पे चेंज होता है, इनिशियल पे आपको थोड़ा बहुत सफ़र करना पड़ेगा, क्योंकि एक चीज़ है ना, जब भी हम कुछ नए चीज़ सीखते हैं तो हमें मेहनत लगता है, वैसे ही जब आप एक चीज़ पे यूज्ड टू हो गए और उससे चेंज होके एक दूसरे चीज़ों पे काम करने लगोगे तो इनिशियल पे तो थोड़ा दिक्कत होगा ही, तो बस वही दिक्कत है, और उस दिक्कत को जो कवर अप करके सामने भर गया उसका बल्ले बल्ले। क्योंकि मैं फिर से दोहराऊंगा, आज के डेट पे क्लासिक पेज से प्रोफाइल पेज का रीच बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ये आपको थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद मिलेगा, और जो भी कस्टमाइजेशन है, जो भी चेंजेस है, इसके ऊपर पूरा डेडिकेटेड प्लेलिस्ट मैं बना चुका हूँ। इस वीडियो पे भी मैं आई बटन पे वो लिंक दे दूंगा, न्यू पेज सेटिंग करके वो प्लेलिस्ट है, अगर देख लोगे तो जैसे ही आपका पेज प्रोफाइल पेज पे चेंज होगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, सब कुछ आपको बराबर से समझने के लिए आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको वैल्यूएबल लगा है दबा के लाइक कर देना, कोई भी दोस्त मेरे चैनल पर नया हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो के साथ, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो, और मैं भी प्रोग्राम करो दोस्तों, बाय।